अब ठीक है? ना बात दीदी पकड़ो हम छोटे हो गए एक्चुअली कहाँ जा रही है कहीं हो ना तुम गाइस वेलकम टू ग्लिट्सविजन थैंक यू किसी का बर्थडे नहीं है या फिर कुछ एनिवर्सरी नहीं है बट ऑब्वियसली फैंस आपको बहुत मिस करेंगे पता नहीं अब चलो वापस कब मिलेंगे एक साथ इसके लिए एक प्यारा सा केक भेजा है ओके कि ये मेमोरीज याद रहे एंड विल मिस यू भी लिखा है तो पहले कुछ अगर आप अपने थॉट्स बता पाए सब संगीता को क्यों देख रहे हैं अच्छा अगर आप अपने थॉट्स बताए एक एक करके यू नो क्योंकि यार बताना क्या है अभी तो आई एम स्पीचलेस आई हैव नथिंग टू से यस मतलब एग्जैक्टली मतलब मैं स्पीचलेस हो गया तो बहुत बड़ी बात है ना यार मतलब बट हाँ इस खबर का बहुत गहरा धक्का पहुंचा है समृद्ध को दो दिन से बहुत अलग बिहेव कर रहा है ये ऑलरेडी पागल हो चुका है बहुत सारी चीजें मिस करेंगे यार समृद्ध के साथ रूम शेयर करना इसके साथ चुगली करना वो सब मिस करूंगा नैना के साथ सारे डर्टी जोक्स हम शेयर करते हैं वो मिस करूंगा संगीता की टांग खींचना तो काफी सारी चीजें हैं जो याद आएंगी ठीक है लाइफ मूव्स ऑन या एक्चुअली अभी तक तो मुझे तो सच में अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि ये खत्म हो जाएगा आई थिंक कल लास्ट डे कल बहुत ज्यादा हिट करेगा कि नाउ दिस इज इट अब बस कल न्यूज आएगी खत्म हो गया अच्छा ये इस उम्मीद पे जी रहा है कि अभी एक्सटेंड हो जाएगा बट सीरियसली आई थिंक वी आर ऑल वेरी अपसेट एंड ऑल दी लाइक वी आर ट्राइंग टू स्माइल एंड यू नो बी नॉर्मल ओके गाइस ये फैंस का कुछ क्वेश्चन है जो हम आपसे प्लीज पूछना चाहेंगे फैंस रह जाते एक एक करके स्वाभिमान का सर कौन सा ट्रैक था जो आपको सबसे दिल के करीब था जो आपने बहुत हेट किया आपको उतना पसंदीदा नहीं था समृद्ध स्टार्टिंग फ्रॉम यू एनी ट्रैक इन स्वाभिमान मुझे अच्छा नहीं लगा जो अच्छा भी लगा जो एक उतना आपका फेवरेट नहीं दो बताने हैं ना अच्छा हाँ तो जो अच्छा था वो मुझे नैना के साथ ऑब्वियसली जब वो फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है तो हम लोग का जो वो लाइक फ्रेंडशिप वाला पार्ट था वो बहुत ही अच्छा पार्ट था और जो बुरा पार्ट था वो ये था कि ठीक होने के बाद रोमांस थोड़ा कम हो गया थोड़ा क्योंकि इसलिए वो फ्रेंडशिप वाला बोल दिया तो मैं अनदर फेवरेट बोल देती हूँ जो अपकमिंग था जो शायद आएगा भी नहीं वेयर आई वाज गोइंग टू प्ले अ नौकरानी एंड यू नो हमें वापस नज़दीकियाँ बढ़ रही थी सो इट आई थिंक काफ़ी क्यूट सीन्स थे जो हमने किए और जो नहीं आएंगे और एक ऐसा ट्रैक जो नहीं ट्रैक मैं कहूँगी एक वो दौर था जहाँ पर ये मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहा था और वो मुझे थोड़ा ऐसे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब करण छोड़ आप नोन यू नो कि नैना ऐसी नहीं है तो मुझे खुद जब आप कन्विंस नहीं हो पाते वो उस टाइप का ट्रैक था पहले साहिल से पूछा व्हाट अबाउट यू साहिल मेरे को शुरू में बहुत एंजॉय किया था मैंने जो रोमांटिक सीन्स आए थे इनफैक्ट द फर्स्ट सीन वो वन ऑफ द फेवरेट सीन्स है मेरा पूरे स्वाभिमान में तो वो ट्रैक बहुत एंजॉय किया था फिर जो मेरा अभी आया था इमोशनल ट्रैक कि मैं चौहान नहीं हूँ वो भी बहुत एंजॉय किया जो ट्रैक अच्छा नहीं लगा जिसमें मेरा आया नहीं बहुत कम आया बीच में बहुत पसंद नहीं आया सेल्फी बाकी सब ठीक था मुझे जो बहुत अच्छा लगा हमारे जो शुरुआती कुछ एपिसोड्स थे जहाँ शारदा मेघना नैना के सारे सीन्स थे वो मैं अभी भी मिस करती हूँ नो डाउट कुणाल मेघना का जो रिलेशनशिप है जो जैसे डेवलप हुआ वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था बट वो आकर चलो अभी खैर रुकी गया बंदी होना है तो कुछ नहीं बुरा लगा मुझे कोई ऐसा ट्रैक अभी याद नहीं आ रहा बट जो हमारा शादी का पूरा सीक्वेंस था मुझे उसकी गर्मी की वजह से वो जो दिन थे ऐसा लगता था बस ये जल्दी ख़त्म हो जाए पर सबसे मेजर था ट्रैक अच्छा था आई एम नॉट थिंक कि ट्रैक खराब था लेकिन उस टाइम पे जो हमारी एक्ट्रेस की फीलिंग होती ना ओ पगड़ी पहन के बस तो वो थोड़ा सा टॉर्चर था स्वाभिमान की जर्नी में अगर आप एक वर्ड या एक सेंटेंस में आप इंडिविजुअली डिस्क्राइब कर सके तो क्या होगा समृद्ध छात्र एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस में यू कैन डिस्क्राइब योर स्वाभिमान की जर्नी एज एन एक्टर इट वाज फन एंड Learning experience था. One word, darling. Yeah, one sentence, darling. English दो बोली है तुमने. इतनी English आती है मैंने. One word, I think precious. And one sentence. Be very precious अरे, to darling, me. अरे darling, sentence बोल दे. One word. भी बोल दिया. One word वाला. Memorable and precious.
very precious, very close to my heart. This darling is a little confused, but it's in Sadma. So next darling. One word, learning. Okay. And Sahil? Yeah, मुझे जो कुछ show से मिला तो I would say कि I'm grateful to Swabhimaan. और एक और word हम चारों के लिए होगा love जो हमें मिला है ना? Love from you all. Yeah. Okay, सबसे ज़्यादा क्या miss करेंगे? सेगमेंट्स केक यार कौन लगा इतने बाद में मैं हम लाएंगे वो बाद में भी होंगे लेकिन वैसे सबसे ज्यादा क्या करते हैं ये जो बॉन्डिंग है ना बॉन्डिंग सबके इतनी अच्छी टीम ओ माय गॉड पता नहीं कब मिलेगी मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ तीन चार लोग एक साथ बैठ के बॉन्ड करते हैं तीन चार उधर सो इट्स द एंटायर टीम या ओके काफी याद आएगी ओके सो फैंस ये भी जानना चाहते हैं कि अगर मौका मिले तब चलो वापस एक दूसरे के साथ काम करना चाहेंगे ऑफ कोर्स टू व्हाट इज दैट पूछने की बात ओके द सेकंड क्वेश्चन इज कि दूसरे की जो कैमरेडरी थी आपकी ऑफ स्क्रीन थी ओके तो वो अगर आप कुछ लास्ट बार एक बार बता सके यू नो आपकी अंकिता के साथ संगीता के साथ यू नो साहिल चारों के अगर आप एक एक करके नाम भी बताएगा चारों बता दें कि आप चारों की ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग कैसी थी देखी है मस्ती भरी थी और रहेगी हमेशा बहुत ही मस्ती भरी बढ़ती गई है ना हाँ बड़ी और देखो दोनों से तो इतनी बढ़ गई है पता नहीं कल ये लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि ये हमने दोस्तों के अच्छा किया इसके साथ ऐसे हो गए ये लोग दो दिन वैसे तो यार मतलब समृद्ध और मैं तो यही बोलूंगा कि हम तो शुरू से ही कनेक्ट हो गए थे ऐसा नहीं है कि हमें ज्यादा टाइम हम तो सोल सिस्टर्स हैं यार ये तो बाद में ही बने पहले तो ऐसे बर्थडे पे मिले थे समृद्ध के बर्थडे पे मैंने कहानियां सुनी थी कि कैसे ऐसे ऐसे थे कि पता नहीं अरे तब तो शुरू में तो हो गया तब तो शुरू में हो गया शुरू में लीड एक्ट्रेसेस थी कुछ भी बोल रही है कोई नहीं एक सेकंड मैं जस्ट ट्राइंग टू से आई थिंक कि नैना मिग्ना मॉर्निंग इज We don't have words. ये काम करो ये आप ना किसी और से पूछ लो वो बता देगा कभी एक लड़ाई भी नहीं हुई हमारी लड़ाइयां भी हुई है एंड आई बिलीव कि जब कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो तो लड़ाई होने की जरूरत होगी तो लड़ेंगी तो ऊपर ऊपर से सोल सिस्टर्स स्टार्टिंग में सोल सिस्टर कैसे बन जाएगा सारे साथ ना आते तो आप सवाल कर सकते थे अरे हम पहली बार जब मिले थे हम हर इंटरव्यू में बोलते जब हम मॉक शूट पे मिले थे सच में ऐसे निकला दीदी ये और मतलब उसे दो बार थप्पड़ मारा सबसे एक सवाल रही हूँ मैं अच्छा ठीक है समृद्ध को छोड़ के आप तीनों से जानना चाहेंगे समृद्ध को छोड़ के हाँ, वो क्वेश्चन ही रहता है कि समृद्ध की बेस्ट चीज होने का अनोइंग समृद्ध बकवास करता है इसलिए क्या समृद्ध अनोइंग तो दो दिन में मिल गई होगी इनको बहुत सारी अभी तक नहीं बेस्ट है बहुत एक शेयरिंग है बंदा है मतलब हर चीज शेयर करके करता है एक काजू भी पड़ा वो भी आधा करेगा तो ये बड़ी अच्छी चीज है ये तो सही है इसके साथ अरे मैं बोल रहा हूँ ना इसके साथ रह रहकर मैं भी ऐसे ही हो गया तो हाँ और नेगेटिव या नेगेटिव नहीं अनोइंग बोला डिफरेंस होता है हाँ अनोइंग ऐसे ऐसे बैठ जाते पूरा कैमरे ऐसे झुक झुक के आ रही यहाँ भी फोटो चाहिए इतने अनोइंग बहुत सारा मिल रहा है ना अभी हाँ ये तो अनोइंग समृद्ध का अनोइंग छोड़ यार बहुत अनोइंग हाँ ये इतना टाइम का पाबंद है मतलब इसे मैं कभी बीट नहीं कर पाया वो चीज रह जाएगी 7 के कॉल टाइम में 6:50 9 के कॉल टाइम में 8:50 मतलब ऐसा कौन करता है यार तो ये चीज इसकी बहुत अनोइंग थी मैं जब भी सोचता था मैं आज टाइम पर आ गया इसकी बात गाड़ी खड़ी होती थी या वो काफी अनोइंग थी ओके मूविंग टू अंकिता अंकिता की एक बेस्ट चीज और एक अनोइंग चीज मैं ही बताऊंगा नहीं नहीं दो तीनों आप अंकिता को छोड़ के तीन अच्छा ऐसा तो ये समृद्ध के हम दोनों ने नहीं बताया हां दोनों ने नहीं बताया अच्छा बताया जैसा
हाँ मतलब ये बहुत अपने में रहता है मुझे ऐसा लगता है कभी annoying. Thank God किसी ने तो मेरे वाली बात कही अपने में रहता है. मेरा भी I second that. Not always बहुत ऐसा है open है but sometimes you feel कि मतलब साहिल आकर अपना नहीं ऐसा भी नहीं है. It's very difficult to explain actually. इट इज ऑल्सो अ गुड थिंग बिकॉज ये उसको बहुत अच्छे से बैलेंस करना था अपना पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ. तो वो एक जो लाइन है ना बहुत अच्छे से मेंटेन करता है. उसे कभी कभी ऐसे अपना लगता है कि अपना I don't know how to best say it, तो यही है बहुत अपना सा हो जाता है ऐसा कि ये जो इसने बोला ना बहुत है वार्म वार्म गरम है भाई. ओके मूविंग टू अंकिता. अंकिता की एक बेस्ट और एक अलग चीज आप तीनों में से अंकिता की सबसे अच्छी चीज हाँ आप तीनों में से कोई भी जवाब दे सकते हैं. यार ये मुझे बहुत सारा खाना खिलाती है मेरे लिए हमेशा लाती है. सेल्फिश आंसर से बंदा एक्सपेक्ट करते मेरी तारीफ होगी. अरे यार मेरे को खाना तो ये तेरा अच्छा जेस्चर है यार ऐसे कौन करता है. अनोइंग है मेरे को नहीं करती हाँ. तो ये बहुत ही स्वीट ला रहा होता हूँ मैं कई बार डब्बा खुलने से पहले पूछता है क्या लाई है भिंडी पनीर वाह वाह इसको भी खिला. बट इट्स वेरी नाइस ना खुद आकर देती है खाना कि दूसरे रूम में भी बैठी होती है. तो इट्स अ वेरी नाइस जेस्चर जो मैं मिस करूंगा यार तारीफ ही कर रहा हूँ मैं. और एक मुफेट भी है ये बेस्ट है. अच्छी बात है ऑनेस्ट अनोइंग के बारे में ये है कि अगर कोई सॉरी पहले पहले कर नहीं नहीं आप बॉब मेरे भी ट्राई कर रहे थे कर लो नहीं नहीं कुत्ता नहीं बेस्ट चीज एक्चुअली बहुत ऑनेस्ट है ये मैं शुरू से देखा ये मुंह पे बोल देती है उसे बोलगी और ऐसा मतलब नहीं था वो अलग है बट इसका बेस्ट है ये बोल देती है वो अच्छी बात है और कुछ गलत नहीं बोलती है मस्ती ही मारती है जो भी मारती है. एक चीज पकड़ती है तो उसमें उसको पकड़ के बैठी रहती है बहुत देर तक छोड़ती नहीं है जल्दी तहकीकात कर देती है चीज़. अग्री अग्री नहीं नहीं यार इसकी बेस्ट चीज ये भी है इससे बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे ये बड़ी सही ये डिटेक्टिव ये हाँ इससे बड़ी बड़ी न्यूज मिलती है बड़ा मजा आता है. भाई बात कर ले मेरे से कोई तो हो कोई कमरे में बैठ रहे तो नेटवर्क आता नहीं है भाई एक बार उठ जाओ बात कर ले भाई बंदा सो सकता है कंटिन्यूस फॉर 10 hours यू कैन गेट अप ईट एंड अगेन स्लीप फॉर 5 hours दिन खत्म. बहुत सोता है और मुझे मुझे गुस्सा आता है इतना सोता है सकता है मुझे इतनी नींद की नहीं आती अपनी थोड़ी इसकी अनोइंग बात है ये उसकी नींद का बात है मुझे चिढ़ मस्ती है इसलिए तो कैसे सकता है इतना मेरे को की नहीं आती है नहीं तो वो वाली बात है. ओके बेस्ट चीज अब वो लड़कियां आकर बोल रही हैं बेस्ट चीज आपका भी है ताकत दोनों मेरा बेस्ट चीज है सर बहुत स्वीट है यार मतलब अच्छा बंदा है जेन्युइनली एक्चुअली जेन्युइनली बहुत अच्छा है उसके बारे में बोल नहीं पाई और ये बहुत ऐसे मस्ती मजा ये तो हम सभी लोग बहुत ही कॉमन ट्रेट्स है दोनों अभी दादा अच्छा अब संगीता लास्ट संगीता बनती है. अरे मैं तो भूल गई मेरी भी बारी आने वाली है बोलो उनकी बेस्ट चीज और सिंपलिसिटी आई रियली लाइक दैट अग्रीड. ओके ओके एंड सबसे अनोइंग चीज बहुत जल्दी हाइपर हो जाती है सीन करते हुए वो बहुत जल्दी एकदम से रिएक्ट कर जाती है और जब एक बार गुस्सा आता है वो एक अलग ही काली माता रूप ये मैंने भी देखा हुआ है. एक बार चुपचाप शांति से खड़ी हुई थी तो मैं बाहर से आया मैंने बोला आप क्लोज हो क्या क्या क्लोज हो गया मैंने ऐसे नहीं किया था मैंने वो क्या नहीं 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 और मैं चुपचाप सुन रहा हूँ 5 मिनट सुना दिया. अरे कितना हद्दी खुदी ये झूठ है. अच्छा बताऊँ कौन से दिन इसको भी याद होगा तू नहीं बता. हाँ फिर मैंने आगे इसको बताया मैंने क्या हो गया वो भरी पड़ी थी मैंने मुझे तो आदत है. हाँ फिर मैंने खुद ही हंस दी कहती सॉरी मैंने भरी पड़ी थी निकल गया. मैं कोई बात नहीं हैपेंस मैं निकल गया. मैंने कहा भाई पंगा ले ला लड़की से मुझे लगा बोला चेहरा कुछ नहीं होगा अंदर मैं करके बोली नहीं अभी थोड़ा सा बचा. ओ भाई मेरे को सुना दिया यार मैंने क्या किया था तो चुपचाप इतना बोला ही चेहरा नहीं मुझे पता नहीं लाइफ में हो क्या रहा है. और बेस्ट चीज इनकी है ट्राई टू कीप काम अगर कोई उस पर प्यार की उंगली कर देगा तो
तो यार काम बता दो ना, कुछ वार्निंग दो, इतना बोला प्यारा चेहरा बंदा आके बात करना चाहेगा ना। और बढ़िया चीज है, वैद्य हमारी है, किसी को कुछ बीमारी हो इनके पास इलाज होता है, अच्छा हो एकदम, और देसी इलाज। आपके राइट साइड में दर्द है इसका मतलब आपके ये वाली आर्टरी हार्ट से, आपके मेन में दर्द है तो आपके ये डॉक्टर नहीं है आपको शो के बाद ये बाहर के बाहर इनकी बहन लगी है तो ये रोज पीती है सुबह पागल है यार ये पैकअप क्या हो गया पूरा केक खा गई अब चारों का पैकअप हो गया नहीं मेरा नहीं नो क्यों अभी बाहर डिनर सेगमेंट भी करने जाते हैं ऊपर क्यों रख दिया अरे मुझे मेघना और तुझे खिलाना रुक जाओ यार एक मिनट प्लीज कोई केक पीस काट दो यार हाथ खराब कर दिया चलो यार यार खाए खाए चलो गाइस प्लीज 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 एक वीक प्लीज एक वीक प्लीज प्लीज थैंक यू अपने फैंस को ग्लिट्स विजन के व्यूअर्स को एक लास्ट मैसेज दे दीजिए कब वापस देख सकते हैं एंड बस कब वापस देख सकते हैं ये कैसा सवाल पूछ लिया यार लास्ट में इतना हंसा के अच्छा तो क्या पूछे बताओ अच्छा फैंस को कितना मिस करेंगे चलिए बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा, I'm sure वो भी हमें मिस करेंगे और but हम हैं टच में तो रहेंगे, we stay active on social media and but don't like stop your love because we really need it right now. हाँ actually ना बहुत सही love support जितना आपने दिया ना उतना ही दिया but काफी अच्छा मतलब Instagram पे भी और हर जगह response आ रहा है जब show end हो रहा है तो काफी लोग exactly we can actually see how sad and upset आप लोग भी हो जितना हम हैं लग तो नहीं रहना हम सैड अब से शक्ल पे मत जाओ आपने देखा ही होगा स्वाभिमान सीजन 2 में भी मेबी मेबी लेट्स होप लड़का कभी कुछ अच्छा नहीं मैं क्या अच्छा बोलूं यार बट हां वी विल बी बैक यार कहीं ना कहीं से तो अभी वी विल बी बैक एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव फॉर स्वाभिमान या थैंक यू फॉर द इमेंस लव मतलब सच में स्वाभिमान ने हमें ये दिया है कि आपसे बहुत ज्यादा प्यार मिलना है एंड Like I said, this is very precious and please keep it coming. And thank you for this cake. Thank you. Rafi and Maria, thank you for the cake and thank you all of you for the epitome of love. What do you mean? Epitome. Epitome. Yeah. So, Taj Mahal of love. No, but... Epitome. It's the love. Music, yeah. Sangeita Sharma and you're watching me on Glitz Vision. Do follow this channel.